नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। बुंदेलखंड के महोबा में बीते दिनों हुए गोलीकांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां मुख्य आरोपी के साथ जेल भेजे गए तीन अन्य आरोपियों को रंजिश के तहत पुलिस की मिलीभगत से फर्जी फंसाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। मंगलवार को दर्जनों मोहल्ले वासियों के साथ परिजनों ने एसपी की चौखट पर पहुंच मामले की जांच कर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि थाना श्रीनगर कस्बे के भैरवगंज मोहाल निवासी हीरा सिंह यादव ने पुलिस को तहरीर देते हुए चार लोगों के खिलाफ तमंचे से फायर कर उस पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। जेल भेजे गए चार में से तीन आरोपियों के परिजनों का आरोप है कि विवाद के समय वहां पर तीनों ही मौजूद नहीं थे, फिर भी पुलिस रात 2 बजे उनके घरों में गेट तोड़कर घुस आई और घर की महिलाओं के साथ अभद्रता की। साथ ही साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से एक आरोपी के घर में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर ले गई। ग्रामीणों ने अपर पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराकर न्याय की मांग की है। क्या नाम है आपका? पूनम साहब। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि ये थे भी नहीं, दो लोगों की लड़ाई हो रही थी, देवी दीन कुशवाहा की और हीरा सिंह कुशवाहा की, बस यादव की, ये तो थे भी नहीं। रामलीला मैदान में खाटू श्याम की मीटिंग चल रही थी, वहाँ पे थे, इन्हें तो कुछ पता भी नहीं था। हमने जब इन्हें फोन लगाया, ये कह रहे हम वहाँ है भी नहीं है। फिर उसके बाद इन लोगों की लड़ाई शांत हो गई, हम लोग सो गए। 2 बजे रात में पुलिस आई, सीधा गेट तोड़ के, दो गेट तोड़े उसने और सीधा अंदर घुस गई। हमसे कहने लगी जीतन साहब कहाँ था, हमने कहा क्या है क्या है बताओ हमें क्या हुआ। कह रहे तुमसे क्या करना बताओ जीतन साहब, कपड़े भी नहीं पहने। हमने कहा कपड़े तो पहन लेने दीजिए। कह रहे हैं हाँ, बस सीधा उठा कर ले गई यहाँ से। रेखा कुशवाहा, क्या समस्या लेके आई? हम उनके दो लोगों की, देवी दीन की हीरा सिंह यादव की लड़ाई हुई। हम लोग तो मोहल्ले के, हम लोगों को क्या लेना देना है? अकेले हम और तो अपने घर के पड़े थे सब जने। पुलिस 2 बजे रात के पुलिस ने छापा मारा, हमें छत पे होने पुलिस गई। हम अपने बीवी बच्चों के साथ सब जने सो रहे थे, तो पुलिस ने हमें गाली गुजर दी, बदतमीजी हमारे साथ की। वो हमारे निर्दोष पति को ऐसी अंडरवियर बनियान में साथ संगे ले गई, न हमें पति ने कुछ किया। क्या नाम है आपका? पिंकी साहू। अच्छा, कहाँ से आई है? श्रीनगर। क्या क्या हो गया? क्या वहाँ पे मेरे पति के ऊपर रात में 2 बजे हमला किया गया है और उन्होंने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है। गेट तोड़ के आए ये लोग और मेरी सासू माँ को भी धक्का दिया इन लोगों ने, कैमरे की भी तोड़ ताड़ किए हुए। किसने? पुलिस वालों ने। रात में 2 बजे रात को हमला किया, ऐसे नहीं होता सर, जैसे इन लोगों ने किया। पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग, ऐसा नहीं कर सकते जैसे किया है रात में 2 बजे हमला। किस बात को लेकर किया, क्या मामला था? दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई थी, दूसरे देवी दिन कुछ है, एक कुशवाहा, उन लोगों के बीच लड़ाई हुई थी और ये निर्दोष इनको बीच में नाम लिया गया कि ये भी थे वहाँ पे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है घसीटे लाल। कहाँ से आए? श्रीनगर। क्या मामला है? मामला आपसी विवाद हो रहा था दो लोगों का। हम घर से बाहर निकले तो शोर शराबा सुना गया, तो हम वहाँ चले गए बीच बचाव के लिए। किन किन का विवाद हो रहा? देवी दीन कुशवाहा और हीरा सिंह यादव। और जो अन्य लोग भी इसके साथ में लिखे हुए हैं तो वो भी थे क्या? नहीं, वहाँ नहीं थी, वहाँ कोई भी नहीं था। तो जिनको पुलिस ने जेल भेजा है वो लोग नहीं थे? नहीं थे। किन किन को भेजा है? राम सेवक कुशवाहा और जीतन साहू, भूपेन साहू। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।